जान पहचान वाली किताब के अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 10 की रीडिंग और इनके क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 11 की रीडिंग करेंगे और इनकी तशरीह करेंगे और इनके क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे और आपको याद करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गज़ल को पढ़ने से पहले इनके राइटर को पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक, 1788 में इनकी पैदाइश हुई और 1854 में इनका इंतकाल हो गया। ज़ौक का असल नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम था। दिल्ली में पैदा हुए और वहीं उनका इंतकाल हुआ। वो एक सिपाही के बेटे थे। उन्होंने बाकायदा तालीम हासिल नहीं की थी, लेकिन अपनी जहानत और मेहनत से इल्मी सलाहियत पैदा कर ली थी। वो शाह नसीर के शागिर्द और बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे। बहादुर शाह जफर ने उन्हें मलिक शुरा और खाकानी हिंद के खिताबात दिए। ज़ौक ने कई इसनाफ में इजहार ख्याल किया है। उनकी असल पहचान कसीदा निगार की है, बिलखसूस बहादुर शाह जफर पर लिखे हुए कसाइद का मर्तबा बुलंद है, लेकिन वो गज़ल के भी एक काबिले ज़िक्र शायर हैं। ज़ौक ने अपने कलाम में नयापन पैदा करने और ज़बान और मुहावरे की सफाई पर ख़ास तवज्जो दी है। आई गज़ल पढ़ते हैं और इनकी तशरीह करेंगे। तो मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ, ठीक है। लाई हयात आए क़ज़ा, ले चली चले अपनी खुशी, ना आए ना अपनी खुशी चले। तशरीह करते हैं। ये ज़ौक़ की मशहूर गज़ल है। ज़ौक़ कहते हैं कि ज़िंदगी हमें दुनिया में ले आई और अब मौत हमें लेकर जा रही है। इस आने जाने में हमारा कोई इख्तियार नहीं, ना हम अपनी खुशी से आए और ना अपनी खुशी से जा रहे हैं। दूसरा बंद पढ़ते हैं। हो उम्रे खिजर भी तो कहेंगे बवक्ते मर्ग, हम क्या रहें यहाँ, अभी आए अभी चले। तशरी। ज़ौक कहते हैं कि हज़रत खिजर जैसी लंबी उम्र मिले तो जब मौत आएगी तो हम यही कहेंगे कि हम यहाँ कितने दिन रहे, अभी तो आए थे और अभी वापस जा रहे हैं। मुराद यह है कि दुनिया में आकर कोई वापस मरना जाना नहीं चाहता। हमसे भी इस बिसात पे कम होंगे बदकिमार, जो चाल हम चले सो निहायत बुरी चले। तशरीह करते हैं इनकी। ज़ौक ने इस दुनिया को शतरंज की बिसात, सफ़ेद व सियाह खाने वाला बोर्ड जिस पर मोहरे रख कर खेलते हैं कहा है, और ख़ुद को एक अनाड़ी खिलाड़ी। अनाड़ी खिलाड़ी जब खेलता है तो सही चाल ना चलने से बाजी हार जाता है। यानी दुनिया में जो तदबीरें हमने की वो सब गलत साबित हुई और हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आगे पढ़ते हैं। बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे, पर क्या करें जो काम ना बेदिल लगी चले। तशरीह करते हैं। ज़ौक़ कहते हैं कि इस दुनिया में आकर कोई इससे दिल ना लगाए, लेकिन क्या कीजिए, बग़ैर दिल लगाए गुजारा नहीं। आइए आगे देखते हैं। नाजा ना हो खिर्द पे, जो होना है हो वही, दानिश तिरी ना कुछ मेरी दानिशवरी चले। तशरी करते हैं। ज़ौक़ कहते हैं कि अगर तुम अपनी अक़ल व दानिश से कुछ काम करना चाहते हो तो ये ना समझो कि वो काम उसी तरह हो जाएगा। खुदा जो चाहता है वही होता है। यहाँ हमारी तुम्हारी दानी और दानिश्वरी से कुछ नहीं होता। ये मैंने आपको गज़ल और इनकी तशरीह करा दी, ठीक है। आइए इनके माना पढ़ते हैं।
हयात, हयात का मतलब है ज़िंदगी, कज़ा, कज़ा मतलब मौत, उम्र खिज़र यानी कि मुराद लंबी उम्र, मर्ग, मर्ग मतलब मौत, बदकिमार, नाकाम, जवारी, नाजा होना, नाज करना, फ़ख्र करना, खिर मतलब अकल, दानिश मतलब समझबूझ, बिसात मतलब वो खानेदार कपड़ा जो चौसर या शतरंज खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दानिशवरी, होशियार, समझदारी, ज़्यादा इल्म रखना। आइए अब इनके सवाल जवाब देख लेते हैं। सवाल नंबर एक है, पहले शेर में शायर क्या बात कहना चाहता है? जवाब है, पहले शेर में शायर ने ये बात कही है कि इस दुनिया में आने, पैदाइश और यहाँ से जाने, मौत में हमारा कोई अमल दखल नहीं, बल्कि जब ज़िंदगी यहाँ लाई तो हम आ गए, और जब मौत हमें यहाँ से लेकर जाती है तो हम चले जाते हैं। सवाल नंबर दो है, अभी आए अभी चले से शायर की क्या मुराद है? जवाब है, कोई शख्स दुनिया में एक तवील अरसे तक रहे, लेकिन उसे ज़िंदगी के आखिरी दिनों में यही लगता है कि हम तो अभी आए और अभी जा रहे हैं, यानी दुनिया में बहुत मुख्तसर क़याम किया। सवाल नंबर तीन है, दुनिया से दिल लगाने के क्या माना है? जवाब है, दुनिया से दिल लगाने के माना यह है कि दुनिया की रंगीनियों में खो जाना, दुनिया की हर शे को अजीज़ समझना, जबकि दुनिया एक रोज़ खुद ख़त्म हो जाएगी और कोई शे बाकी नहीं रहेगी। इसलिए सूफिया कहते हैं कि दुनिया एक सराय फ़ानी है, इससे दिल ना लगाओ। सवाल नंबर चार है, शायर ने अक़ल पर फ़ख्र करने से क्यों मना किया है? जवाब है, शायर ने इसलिए मना किया है कि बाज़ अवकात कितनी ही समझदारी होशियारी से काम किया जाए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती रह जाती है और काम अधूरा रह जाता है। अगर अक़ल ही से तमाम मसाइल हो जाते तो फिर तकदीर की कोई अहमियत नहीं रह जाती। इसलिए बुज़ुर्ग कहते हैं, तकदीर में जो लिखा है वो होकर रहता है। आइए नीचे पढ़ते हैं, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतजाद लिखिए। हयात का हो जाएगा मौत, बेहतर का हो जाएगा बदतर, बुरी का हो जाएगा अच्छी, और खुश का हो जाएगा गमी, मर्ग, मर्ग मतलब हस्ती, मर्ग का हो जाएगा हस्ती। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 11 की रीडिंग और इनके क्वेश्चन आंसर करवा दी हैं। अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 12 की रीडिंग करेंगे और इनके क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।